Good morning, student. Today our topic is Pohl's theorem statement. If f(x) is a function of the variable x, such that first condition f(x) is continuous in the closed interval ab. Second, f(x) is differentiable for every point in the open interval ab. And third is f(x) equal to fb. Then there at least one point x equal to c in the open interval ab such that f(c) equal to zero. जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें हमें क्या चेक करना होगा, पहला हमें चेक करना होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे. सेकंड हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, और वो जो हमारे एंड पॉइंट है ए बी उस पे फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स इसको ग्राफिकल में समझते हैं. सपोज कीजिए आपके पास कोई कर्व है इस टाइप का, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, इट मीन्स ये ए पॉइंट, और यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका बी, इट मीन्स ये क्या है आपका बी पॉइंट है, और ये पॉइंट हो गया हमारा एफ ए, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ बी. इट मीन्स यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, एफ ए इक्वल हो रहा है एफ बी के. इट मीन्स फंक्शन जब एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल हो गए हैं तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट एग्जिट करेगा, ये पॉइंट होगा हमारा सी. ठीक है, जब आप इस सी पॉइंट से जो हमें सेंटर में एक पॉइंट मिलेगा, जब आप इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट क्या होगी, हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है, जब हमारी एक जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इट मीन्स यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वेट हो जाएगा. तो ये हमारी रोल्स थ्योरम है. आप यहाँ पे एग्जाम्पल हमने सुन लिया है. Verify the Rolle's theorem in the interval minus 1, 1 for the function of fx equal to x square. तो हमारा function क्या है? हमारा function है x square. तो ये continuous भी है, differentiable है. हम जानते हैं कि every polynomial function is a continuous and differentiable. तो हमारा function, we know that function fx is continuous and differentiable. तो हमारा function continuous भी है और differentiable भी है. अब हमें क्या find करना है, जो हमारा interval है minus 1 से 1, ये क्या है, equal होने चाहिए. It means आप function fx जो है उस x square उसमें आप point रखिए अपना a point, a है आपका f of minus 1. तो जब आप माइनस वन रखेंगे तो भी वन आएगा. देन एफ ऑफ बी, बी आपका जो पॉइंट है वो है वन, आप फंक्शन में रख दीजिए वन तो भी आपका वन आएगा. इट मीन्स एफ ए और एफ बी हमारे क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए. अब जब ये एफ ए और एफ बी हमारे दो पॉइंट इक्वल हो गए, इट मीन्स एक हमारा सी पॉइंट होगा जो क्या होगा, यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया, हमारे दोनों पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. तो देन हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं. तो हमारा फंक्शन में एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, यहाँ पर x इक्वल टू हमें c पुट करता है, देन हमारा फंक्शन हो गया है 2c, और हमारी थ्योरम कह रही है कि आपको क्या करना है, सच दैट एफ डैश c इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर 2c इक्वल टू जीरो, c की वैल्यू आ रही है आपकी जीरो. तो क्या ये जीरो हमारे इंटरवल माइनस वन से वन के बिलोंग्स कर रहा है, या यस, जो हमारा जीरो है वो बिलोंग्स कर रहा है माइनस वन से वन के बीच में. इटमीन सी बिलोंग्स हो गया है माइनस वन से वन. तो अब जब हमने जो पॉइंट्स हमने फाइंड किया था वो हमारे इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है, इटमीन्स हमारी जो रोल्स थ्योरम्स है वो हमने क्या कर दी है, वेरीफाइड कर दी है. हमारी रोल्स थ्योरम क्या हो गई है, वेरीफाइड कर ली. तो आपको सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना है, सबसे पहले हमें फंक्शन को देखना है कि वो फंक्शन कैसा है, वो डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूस है कि नहीं. तो एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन है डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस. देन हमारे जो इंटरवल है उसमें आपको फंक्शन की वैल्यू पुट अप करके देखनी है कि जो इंटरवल है, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं हमारे, उस पर फंक्शन इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यहाँ पे फंक्शन इक्वल आने के बाद इट मीन्स एफ इक्वल टू एफ बी हो जाता है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. एक्स इक्वल टू सी पुट करके हमारा एफ डे सी इक्वल टू जीरो होता है, देन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि वो इंटरवल में बिलोंग्स कर रही है या नहीं. तो ये थी हमारी रोल्स थ्योरम. थैंक यू.